हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आपने एक ऑलरेडी क्लिप देख ही लिया होगा जिसमें आपको ये पता लगा कि मैंने जो है ये वाला जो मेरे कार का जो ग्लास है क्वार्टर ग्लास उसको जो मैंने तोड़ा था। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो इंसिडेंट है मेरा कल रात में हुआ। मैंने दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था तो अचानक से हुआ क्या कि मैंने जो है गलती से अपने कार का चाबी जो है लगा छोड़ दिया और जो है गेट बंद कर दिया। सो इससे हुआ क्या गाइस कि मेरी कार जो है लॉक हो गया। तो गाइस मैंने बहुत सारा ऑप्शन ट्राई किया उस टाइम कि मैं कार को अनलॉक कर लूँ बिना कुछ डैमेज करे, लेकिन गाइस एट द एंड कुछ बात नहीं बना। तो मैंने कहा कि अपने कार का जो क्वार्टर ग्लास है वो तोड़ दिया। सो गाइस आज इस वीडियो में अपने कार में जो है हम क्वार्टर ग्लास इंस्टॉल करने वाले हैं। मैं ऑलरेडी नया लेके ला चुका हूँ और बताऊंगा कि गाइस अगर आपको भी अगर आपके कार का भी ऐसा कोई परेशानी आए तो उसको जो है आप कैसे कर सकते हो। तो गाइस बहुत लोग बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं कि तार से ये करो वो करो उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन गाइस एट द एंड आपके पास जो है कुछ नहीं बचता। अगर आप कहीं सिचुएशन में फंसे हो तो आप हमेशा ट्राई करोगे अपनी कार का जो है क्वार्टर ग्लास तोड़ने का, क्योंकि गाइस बहुत सारी कार में जो है क्वार्टर ग्लास दिया हुआ था। मतलब क्वार्टर ग्लास मतलब ये छोटा सा ग्लास होता है चाहे वो आगे पे दिया हो या पीछे पे दिया हो। तो गाइस मैंने जो है इसको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से खोला तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा जो है ये डैमेज हो गया, क्योंकि गाइस मैं सोचा था कि इसको जो है सेफली निकालूँ, लेकिन सेफली निकालने के चक्कर में जो है मैंने जो है कांच भी तोड़ डाला। तो गाइस बहुत सारे देख सकते हैं आप टुकड़ा पड़ा हुआ है बहुत सारे कांच का। तो गाइस जब भी अगर ऐसा कुछ आप सिचुएशन हो तो आप क्या करना कभी भी जो है क्वार्टर ग्लास तोड़ना। गाइस देख सकते हैं मैंने ये जो है रबर खरीदा है ये रबर और जो है एक ग्लास लेके आया हूँ। तो गाइस मैं आपको बता दूँ ग्लास का प्राइस जो है 500 रुपये और ये रबर का प्राइस जो है 400 रुपये। तो गाइस आप देख सकते हैं वही 900-1000 रुपये में आपका जो है मेरे सेट आया। तो मैं क्या करूँगा गाइस इसको जो है अपने कार में फिट करूँगा। सो गाइस अगर आपको ये लोकल पार्ट शॉप पे नहीं मिलता तो आप क्या करें इसको आप इसको जो है बुडमो से मंगा सकते हो। सो गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि कभी भी ये जो ग्लास वाला काम है आपको जो है ग्लास वाले शॉप पे ही मिलेगा, जैसे कि कार का जो कोई भी विंडशील्ड रिपेयर होता है ये वहीं पर मिलेगा। तो गाइस आज इस वीडियो हम जो इसको जो है लगाने वाले हैं तो हम क्या करेंगे गाइस पहले जो है आपको दिखा दूँगा इसकी रबर है हम क्या करेंगे पहले जो है रबर पे जो ग्लास फिट कर लेंगे। पहले बता दूं कि करना क्या है तो हम क्या करेंगे गाइस आप देख सकते हैं जो मेरे ये जो लेवल है ये अलाइन नहीं है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मतलब कि मैंने स्क्रू ड्राइवर से जो ऊपर नीचे कर दिया। तो मैं क्या करूँगा पहले इसको जो एकदम साफ करूँगा जो ठोक ठोक के सीधा एक लेवल पे लेके आऊँगा। तो गाइस इसको मैंने एक लेवल पे तो ला लिया लेकिन गाइस ये एग्जैक्ट पहले से सीधा तो नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है ऑलरेडी मुड़ चुका है। तो मैं क्या करूँगा इसमें ही लगाऊंगा और इसमें जो है रबर लगाएंगे तो ये जो है परफेक्टली फिट हो जाएगा, मतलब ये जो है पता नहीं चलेगा कि ये थोड़ा भी ऊपर नीचे है। तो हम क्या करेंगे गाइस इसको जो है पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे, वहाँ पे जो कोई कांच का टुकड़ा तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस कांच को जो है इस रबर पे अच्छे से फिक्स कर लेंगे। गाइस आप पहले इसमें फिक्स कर लेना, फिक्स करने के बाद जो है उस पर लगाना। तो हम क्या करेंगे फटाफट से जो अपना ग्लास है इसको अच्छे से एकदम बारीकी से करके हम इसको जो है इस रबर पर फिक्स कर लेंगे। तो ऐसा देख सकते हैं मैंने इसको जो है अपने रबर पर फिक्स कर लिया है। तो हम क्या करेंगे एकदम सेफ्टी से करेंगे और थोड़ा ध्यान रखना गाइस गलती से भी ये हाथ से छूटे ना, अगर हाथ से छूटेगा तो ये वापस ख़त्म वापस टूट जाए। हम क्या करेंगे इसको जो है ऐसे अंदर डालेंगे और जो है इसको जगह पे फिट कर देंगे। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कभी भी एक काम कर रहे हो तो आपका जो ग्लास है मतलब ये जो बड़ा वाला ग्लास है इसको नीचे कर लेना, इसको नीचे करने के बाद ही ये सब हो पाएगा। और फटाफट से करते हैं तो गाइस मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मेरा कांच जो है ऐसे लग ही नहीं रहा था, क्वार्टर ग्लास ऐसे लग ही नहीं रहा था। मैंने क्या किया यहाँ पर जो है यहाँ पर अपना पीछे देखने वाला जो मिरर है आउटसाइड रियर व्यू मिरर मैंने इसको किया कि इसको निकाल दिया। निकालने के बाद जो है अब ये इजीली लग जाएगा इसको, क्योंकि निकालने के बाद ही ये सब करना पॉसिबल था। मैंने बहुत ट्राई किया इसको बिना निकाले कि ऐसे ही काम बन जाए लेकिन नहीं बन पाया। सो गाइस एट द एंड मैंने इसको जो है पूरा फिट कर लिया, आप देख सकते हैं मैंने कंप्लीट करने के बाद आपको दिखा रहा हूँ। सो देख सकते हैं एकदम ओएम फिट ऐसे लग ही नहीं रहे कि मैंने बाहर से तोड़ा, बस डिफरेंस इस चीज़ का पता चल रहा है कि मेरा कार का जो है पूरा जेट ब्लैक है और ये जो है जेट ब्लैक नहीं है, क्योंकि इससे मैंने इसको अभी खरीद किया तो ये जेट ब्लैक तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे अब इसे जो इसमें फिल्म चढ़ा देंगे जिससे मेरा कार जो है वापस से एकदम नॉर्मल लुक में आ जाएगा। सो गाइस कभी भी ऐसा कोई दिक्कत होता है अगर चाबी फंसने का तो आप किसी भी टिप्स ट्रिक्स में मत जाना, चुपचाप से क्वार्टर ग्लास तोड़ना। क्वार्टर ग्लास जो आपका 500 रुपये के आसपास जो है किसी भी कार का आ जाएगा, बस स्विफ्ट वगैरह है तो वो 250-250 रुपये में भी आ जाते हैं क्योंकि शेवलेट का कंपनी है तो थोड़ा सा ये महंगा है। सो गाइस देख सकते हैं इतना अच्छे से मैंने लगा दिया और जो मैंने बोला था मेरा जो अलाइन नहीं था ऊपर नीचे जो है बैंड हो गया था वो रबर के कारण जो है वो भी छुप गया। सो गाइस आज इस वीडियो बस इतना ही, आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना कि मैं इस तरह की नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।